हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन क्वीन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चीज ब्रेड सैंडविच रेसिपी। बहुत ही यम्मी रेसिपी है। इसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल्स को स्टफिंग करेंगे, बहुत सारे चीज डालेंगे और सैंडविच बनेगी बहुत ही टेस्टी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिए हैं कुछ वेजेस, चॉप किया हुआ कैप्सिकम, अनियंस, कोरिएंडर लीव्स और ग्रेटेड कैरेट्स लिए हैं। आप चाहे तो इसमें टमाटर्स भी डाल सकते हैं और दूसरे कुछ वेजेस भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। तो हम एक बोल में सारे वेजेस को डाल लेंगे एक साथ। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच टोमेटो केचप, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर वेजीज में सॉसेस डाले हैं तो सॉसेस में पहले से ऑलरेडी नमक रहता ही है, तो हमें नमक जो है एकदम थोड़ा सा ही डालना है। अब हम इसमें डालेंगे मिक्स हर्ब्स, फ्रेंड्स ए फन फूड्स का पास्ता पिज्जा सॉस है तो अब हम इसमें 1.5 चम्मच पास्ता पिज्जा सॉस डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अक्सर देखते हैं बच्चे लोगों को वेजेस पसंद नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स उन लोगों को खिलाने के लिए थोड़ा सा ट्रिक्स लेना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम लोग थोड़ा ट्रिक्स के थ्रू बच्चे लोगों को वेजिटेबल्स देते हैं तो लोग आराम से खा भी लेते हैं, उन लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो फिलिंग्स हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट एक बोल लेंगे और 2 एग्स लेंगे। आपको अगर ज़्यादा एग पसंद नहीं है तो आप 1 एग से भी बना सकते हैं, तो आप यहाँ पर 1 एग भी ले सकते हैं। तो अब हम दोनों एग को निकाल लेंगे बोल में और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से बीट कर लेंगे। एग भी बीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक पैन लेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं और तेल को गर्म होने देंगे। हम यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल यूज़ किए हैं। तो फ्रेंड्स, ऑयल या बटर कुछ भी हो उसको बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, हल्का गर्म होते ही हमें इसमें 1 डाल देना है। और इसमें अब हम 2 ब्रेड लगाएंगे। ब्रेड को जब हम एग में लगाएंगे तो थोड़ा सा हल्का सा गैपिंग होना ज़रूरी है। अब ऊपर से हम बटर लगा देंगे दोनों ब्रेड में। एक हल्का सा सेट होते ही हम इसे बहुत ही केयरफुली अच्छे से टर्न करना है ताकि ये ना टूटे। अब हम प्रेस करते हुए इस तरह से अदर साइड भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें मेयोनीज लगाएंगे। ब्रेड के एक पार्ट में ही हमें मेयोनीज लगाना है, एक ही ब्रेड में। अब हम इसके ऊपर एक चीज स्लाइस डालेंगे। जो फिलिंग हमने रेडी करके रखे थे अभी चीज के ऊपर इसे डालना है। अभी हम इसके ऊपर और एक चीज स्लाइस डाल देंगे। साइड में जो एक्स्ट्रा एग्स है उसे अच्छे से प्रेस कर सेट कर देंगे। अभी ब्रेड को हम दूसरी तरफ से फोल्ड कर देंगे और हमें दोनों साइड से इसे ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। दो स्पैचुला का हेल्प से हम इसे टर्न करेंगे ताकि ये अंदर से निकल ना जाए। चीज जो है हमारा मेल्ट हो चुका है, तो अब हमारा जो है चीज ब्रेड सैंडविच रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे नाइफ से अच्छे से कट कर लेंगे
ट्रायंगल शेप में और इसे हम एक प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक तो बनता ही है, आप इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स करके फीडबैक दीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।